तो लास्ट टर्न पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में ना, कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसमें कितनी लाइंस हमको दिखाई देती हैं, इसी तरीके से जो हम लोग का एमिशन स्पेक्ट्रम है उसमें कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस दिखाई देती है ना, उसका एक एक चीज़ का मैंने आपको लॉजिक बताया था, है ना, बताया था अगर ढेर सारे एटम्स होंगे तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी बनेंगी, ठीक है, और या सिंगल एटम होगा तो एमिशन स्पेक्ट्रम में कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, ओके। अब हम लोग जानेंगे रिकॉइलिंग मोमेंटम ऑफ एन एटम, किसी एटम का रिकॉइलिंग मोमेंटम, ठीक है, किसी एटम का जो रिकॉइलिंग मोमेंटम है वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये देखो बहुत ही आप इससे फेमिलियर होगे, रिकॉइलिंग मोमेंटम हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं, याद करिए सेंटर ऑफ मास में पढ़ चुके हैं ना, सेंटर ऑफ मास में अच्छे से सब चीज़ें पढ़ चुके हो, जो गन और बुलेट वाली जो प्रॉब्लम थी कि जब आप बुलेट फायर करते थे तो गन पीछे की तरफ रिकॉइल होती थी, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग ये सब चीज़ें हम लोग सेंटर ऑफ मास में पढ़ चुके थे, ठीक है। तो उसी के आधार पर थोड़ा सा यहाँ पर समझना है हमें। तो देखो रिकॉइलिंग मोमेंटम ऑफ एन एटम, देखो क्या होता है, जब एटम से फोटोन निकलता है बाहर, ठीक है, जब ट्रांजिशन होता है, ठीक है, ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो फोटॉन जो कि एमिट होता है, और जो फोटॉन एमिट होगा पार्टिकल नेचर का है, तो जो रिमेनिंग एटम होता है वो क्या होता है, रिकॉइल होता है, ठीक है। तो आप कहोगे सर ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटॉन इज एमिटेड, और क्या होता है, जो एटम होगा वो रिकॉइल होगा, एंड द रिमेनिंग एटम इज रिकॉइल्ड, ओके, द रिमेनिंग एटम इज रिकॉइल्ड, जो रिमेनिंग एटम होता है वो क्या होता है, रिकॉइल होता है, ठीक है। तो रिमेनिंग एटम इज रिकॉइल, ओके। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या होगा, कुछ इस तरीके, जैसे मान लो एटम है, ठीक है, तो एटम मान लेते हैं हम लोग, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इस तरीके से है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो मान लो ये एन बराबर एन टू से एन बराबर एन वन में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है, तो क्या होगा, ये फोटॉन, ठीक है, एच न्यू बाहर निकलेगा, तो जो बचा एटम हमारा है वो क्या करेगा, पीछे की तरफ रिकॉइल होगा, पीछे हटेगा, ये बुलेट और ये गन उसी तरीके से, तो इस एटम से, ठीक है, फोटॉन बाहर निकलेगा ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, तो जो बचा हुआ एटम हमारा है वो क्या करेगा, पीछे की तरफ रिकॉइल होगा, होगा ना। तो अब इसका रिकॉइल मोमेंटम कितना होगा, क्योंकि यहाँ मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो मोमेंटम कंजर्व अगर रहा तो इसका मतलब जो फोटॉन का मोमेंटम होगा वही रिमेनिंग एटम का रिकॉइल मोमेंटम होगा। तो आप क्या बोलोगे, रिकॉइल मोमेंटम ऑफ एटम, रिकॉइल मोमेंटम ऑफ एटम जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये आपका होगा मोमेंटम ऑफ फोटॉन, मोमेंटम ऑफ फोटॉन, और फोटॉन का मोमेंटम कितना होगा बताइए, एच बाई लैम्डा, ठीक है, पहले चैप्टर में जो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर जो था उसमें हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब एच बाई लैम्डा मुझे निकालना है, अब मुझे बताओ जो एमिटेड फोटॉन का जो लैम्डा होता है वन बाई लैम्डा वो किसके बराबर होता है, ये होता है आर जेड स्क्वायर वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर, क्या ऐसा होता है वन बाई लैम्डा के बराबर, तो एच बाई लैम्डा को मैं निकाल सकता हूँ, इसका मतलब जो रिकॉइल मोमेंटम ऑफ एटम जो होगा बताइए वो किसके बराबर होगा, समझिए ध्यान से, रिकॉइल मोमेंटम ऑफ एटम किसके बराबर हो जाएगा, एच बाई लैम्डा, तो h बाई लेमडा का मतलब कितना हो जाएगा, इसमें s से अपने गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा h r z स्क्वायर वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग रिकॉयल मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया बात, कैसे एटम रिकॉयल करता है, क्यों रिकॉयल करता है, सेंटर ऑफ मास का जो चैप्टर था उसको मैंने इससे कैसे रिलेट किया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो अगला जो टॉपिक अपने को पढ़ना है, कुछ सवाल कर लेते हैं, पहले एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
देखिए तो पहले कुछ क्वेश्चंस इस पे देख लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, या हाइड्रोजन एटम्स कर लेते हैं ना, ढेर सारे एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स इन ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 975 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम्स ग्राउंड स्टेट में है, ठीक, उसके ऊपर रेडिएशन डाला गया है, उस रेडिएशन की जो वेवलेंथ वो कितनी है, 975 एंगस्ट्रॉम। तो आपको क्या बताना है, फाइंड, क्वेश्चन का पार्ट ए आपका है, द एनर्जी लेवल, ठीक है, या स्टेट टू विच, ठीक है, एटम इज एक्साइटेड, किस एनर्जी लेवल में वो एटम ग्राउंड स्टेट से गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किस एनर्जी लेवल में वो एक्साइट हुआ है, पहला सवाल आपको ये बताना है, ठीक है। दूसरा आपको बताना है, दूसरा जो सवाल आपका है, ठीक है, दी ये आप कह सकते हो हाउ मेनी, ठीक है, लाइन्स विल बी, ठीक है, अपीयर इन एमिशन स्पेक्ट्रम, जो इमिशन स्पेक्ट्रम होगा उसमें कुल कितनी लाइंस, ठीक है, दिखाई देंगे जो, ठीक है। तो आप देखो, सोचो अगर ग्राउंड स्टेट से किसी हायर स्टेट में गया, हायर एनर्जी लेवल में गया, तो क्या होगा, वापस लौट के भी तो ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो जब वो लौटेगा तो कुल कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, अपीयर होंगी, आपको ये बताना है, ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम में। और तीसरा सी आपको जो बताना है, ठीक है, फाइंड दी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अमंगस्ट दीस, मतलब क्या, इसका मतलब आपको ये बताना है कि अगर ढेर सारी स्पेक्ट्रल लाइंस मिली हमको, ठीक है, जैसे 4, 5, 6 जितने भी मिली हम वो देख लेंगे, उसमें जो सबसे छोटी वेवलेंथ, किस स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ सबसे छोटी होगी, ये अपने को मेरे भाई बताना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करना है इसको। तो देखो, ध्यान सुनना, तो इसको हम लोग फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, या अपने को देखो हाइड्रोजन एटम के बारे में सारा कुछ पता ही है, वहाँ से भी कर सकते हैं, तो मैं दोनों तरीके से करके देखता हूँ। मैंने आपको बताया था, देखो कम से कम एटलीस्ट याद रखना है सबको, ये हमारा n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और ये n बराबर 4, सबके एनर्जी लेवल के बारे में हमको जानकारी है, कितना इसका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, ये कितना होगा ज़रा बताइए, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये, ठीक है, लास्ट टर्न पे हमने सारा कुछ इसमें कैलकुलेट करके हर एनर्जी स्टेट का एनर्जी, हर लेवल की जो एनर्जी थी वो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो रेडिएशन इसके ऊपर गिराया गया है, समझिएगा, जो रेडिएशन इसके ऊपर मेरे भाई गिराया गया है, ठीक है, उस रेडिएशन में कितनी एनर्जी है, कितने एनर्जी का फोटोन उसको ऊपर गिराया गया जिसको एब्जॉर्ब करके वो हायर स्टेट में गया है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जो E बराबर होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 12400 अपॉन, ठीक है, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, याद होगा ये, ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारी एनर्जी निकल कर आती है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारी एनर्जी निकल कर आती है, तो ये हमको पता है 12400 और ये कितना है 975 एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लगभग 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, ठीक है, लगभग कितना आता है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, ठीक है, मतलब 12.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन इसके ऊपर गिराया गया जिसको एटम ने एब्जॉर्ब किया और एटम ने एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को किसी हायर एनर्जी लेवल में भेज दिया। तो चलो देखते हैं कि किस में ये जाएगा, देखो हमको तो डायरेक्ट दिख रहा है, आप समझ सकते हैं इस बात को, याद करिए
जो फर्स्ट लेवल और जो फोर्थ लेवल, इन दोनों का डिफरेंस एग्जैक्टली इतना ही आता था। ये हमने आपको दिखाया था लास्ट टाइम पे, जो पहला लेवल है और जो आखिरी लेवल है। हमको चूँकि ये डेटा सब पहले से याद है, तो आप उस डेटा के आधार पर भी लिख सकते हो। देखो 13.6 है ये, और ये कितना है देखो, 0. मैं करके दिखाता हूँ, 85, ठीक है, ये 5, यहाँ कितना बचेगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा 7, और ये 12.7, ठीक है, इतना आएगा कि नहीं आएगा बताइए। तो पहले और चौथे का जो डिफरेंस आएगा ये 12.74। तो इसका मतलब जब इस पर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में जब इसको आपने क्या किया, 12.75 का एनर्जी दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, 4 में चला जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि इसका मतलब वो किस में एक्साइट हुआ है, द स्टेट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड, वो क्या है, n बराबर 4। तो इसका आंसर क्या होगा, किस में वो एक्साइट होगा, n बराबर 4 में वो एक्साइट होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें था, जब आप इतने का भेजोगे तभी ये यहाँ पहुँचेगा, और आपने इतने का ही भेजा है, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भेजा है लगभग, ये लगभग इतना ही आएगा। लेकिन कहोगे सर हमें कैसे पता, आपको तो याद ही ये वाला, याद है तो आपने जल्दी जल्दी कर दिया, ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आपके पास दूसरा फार्मूला भी है, तो ऐसे भी कर सकते हो इस तरीके से। और हमको पता है डेल्टा ई बराबर क्या होता है, 13.6 हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, यही होता है ना, 13.6 जेड स्क्वायर 1/N1² - 1/N2², ठीक है, लिख दो पूरा, जेड स्क्वायर 1/N1² - 1/N2², सब कुछ पता है। जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1, ठीक है, डेल्टा ई कितना है यहाँ पे, 12.75, ठीक है, N1 किस में से ट्रांजिशन हुआ है, 1 में, और N2 निकालना है, तो आप N2 की वैल्यू निकाल लो, ये N2 निकालना है आपको यहाँ पे, तो जिसमें वो एक्साइट हुआ, तो N2 किसके बराबर, जब सारी वैल्यू सॉल्व करोगे रख के, तो ये N2 की वैल्यू डायरेक्ट 4 आ जाएगी। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हो, अगर आपको डेटा याद है, और ये बहुत फैमिलियर है, ठीक है, बहुत वेल नोन है, आपको याद रखना ही चाहिए, क्योंकि सवाल आपको मैक्सिमम हाइड्रोजन पे ही मिलेंगे, और हाइड्रोजन नहीं भी रहा तो सब जगह जेड स्क्वायर हो जाएगा, उससे भी काम हमारा बन जाएगा, इसलिए कहा जा रहा है इन सब डेटा को आपको याद रखना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, ओके, ये हमारा आ गया बी पार्ट, ये पार्ट हो गया बी पार्ट। कितनी लाइन्स एमिट होंगी आपको बताना है। आप मुझे बताओ, हमारे पास ढेर सारे एटम्स हैं, जब आपका ग्राउंड स्टेट से फोर्थ में गया, ठीक है, तो फोर्थ से वापस जब लौटेगा तो कुल कितने जो कि वो स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिट करेगा, दिखेगा हमको, जो हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम है, फॉर्मूला अपने को पता है क्या, N n-1/2, ठीक है ना, n n-1/2, ये टोटल इतना होगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स n जो होगा n n-1/2, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये फोर्थ 4-1 12/2, कितना, कुल 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स मेरे भाई, सब 6 स्पेक्ट्रल लाइन हमको दिखाई यहाँ पे देंगे एमिशन स्पेक्ट्रम में। अब आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है इसमें सबसे छोटी जो वेवलेंथ होगी, जितनी भी 6 हमको स्पेक्ट्रल लाइन्स मिली हैं उनमें सबसे छोटी वेवलेंथ कौन सी होगी, कितनी होगी, मतलब एमंग्स दीज, मतलब इनमें से सबसे छोटी वेवलेंथ होगी वो क्या होगी। देखो जो सी पार्ट है उसको कैसे करेंगे, ठीक है, जो सी पार्ट है उसको कैसे हम लोग करेंगे, देखो दो, अब पहले समझो कि सबसे छोटी वेवलेंथ कब होगी, आप ज़रा सोचो, क्या पूछा है, लॉन्गेस्ट पूछा है, सबसे बड़ी वेवलेंथ कौन सी होगी ना, लॉन्गेस्ट पूछा है यहाँ पे, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी, ज़रा सोचिए आप, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब एनर्जी सबसे कम, इलेक्ट्रॉन किस में आ सकता है, इसमें से इसमें आ सकता है, इसमें से डायरेक्टली इसमें आ सकता है, कुल 6 तरीके हमने बताए थे। आप सोचो जिन दो लेवल्स में एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो फोटोन निकलेगा, ठीक है, उसमें अगर ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो जो फोटोन निकलेगा वो सबसे कम एनर्जी का होगा, और सबसे कम एनर्जी का होगा तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो बताओ किन दो लेवल्स में एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम है, ऑब्वियस है, n = 4 से n = 3, तो यहाँ से यहाँ तक जब आएगा इलेक्ट्रॉन इसमें कूदेगा, तो इस ट्रांजिशन में जो फोटोन निकलेगा मेरे भाई, ठीक है, इस ट्रांजिशन में जो फोटोन निकलेगा 4 से 3 आने में, उसमें एनर्जी सबसे कम होगी, या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, तो यही करना है अपने को। तो देखो, तो सी पार्ट में क्या करेंगे, जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगा, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब निकल कर आएगा जब हमारा ट्रांजिशन क्या हो, n = n2 = 4 से n1 =
थ्री में जब ट्रांजिशन होगा, एन टू बराबर फोर से एन वन बराबर थ्री में जब ट्रांजिशन होगा तो जो वेवलेंथ मिलेगी वो सबसे बड़ी मिलेगी। अब हमको इस वेवलेंथ को निकालना है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? हमको पता है डेल्टा ई बराबर एस सी बाई लैम्डा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा ई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा ई निकाल लेते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा ई कैलकुलेट करूँ, देखिए, ठीक है, तो 13.6 वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर, यहाँ पे जेड की जगह वन रख देंगे, एन वन कितना होगा 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, ऐसा होगा। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्व करके देखना 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो इसका मतलब जब इसमें से इसमें आएगा तो जो सबसे कम एनर्जी का जो फोटॉन निकलेगा उसकी एनर्जी इतनी हो जाएगी, तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ डेल्टा ई बराबर क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यू पता है हमें, एच की वैल्यू पता है हमको, सी की वैल्यू पता है, डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख देते हैं 12400 अपॉन लैम्डा। तो ये हो जाएगा 0.66 12400 अपॉन वॉट लैम्डा आ गया, ठीक है। तो ये जो लैम्डा जो कि मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, तो जो लैम्डा की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर निकल कर आएगी 187 ओके 89 एंगस्ट्रॉम निकल कर ये आएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन वाला पार्ट अपने इसका, मुझे इसका आंसर पता था, मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे, तो 187.89 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो देखो ये हो गया, एक तरीका तो हमारा ये हो गया। दूसरा तरीका भी करने का, इसी सवाल को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? हमको पता है क्या, 1/लैम्डा जो होता है आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये भी तो होता है। तो हमको ये लैम्डा निकालना है, आर पता है, जेड पता है, ठीक है, n1 पता है, n2 पता है। तो क्या करोगे, यहाँ पे आर की वैल्यू पता है, जेड की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू 1.097 इंटू 10^7, जेड की वैल्यू 1 हाइड्रोजन एटम है, n1 3 N2 4, तो इसका मतलब मैं यहाँ से भी डेल्टा की लैम्डा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों तरीके अपने पास हैं। तो देखो आप सोचो आसान तरीका कौन सा है, अगर हमको ये याद है, ये सारी चीज़ें याद हैं तो डायरेक्टली, ठीक है, विद इन मिनट्स इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन नहीं याद है तो एक लंबा कैलकुलेशन आपको पूरा करना पड़ सकता है, ठीक है। तो एक बढ़िया सवाल था ट्रांजिशन का, ओके। चलिए इस पर कुछ और अच्छे सवाल करके देखते हैं। जैसे देखिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, इसमें फाइंड दी फर्स्ट एंड फाइंड दी फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, पढ़ा चुका हूं मैं, फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ एन एटम हुज, या फाइंड द फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ एन एटम इफ इट्स आयनाइजेशन पोटेंशियल इज 120.4 वोल्ट, ठीक है। क्या दिया गया, देखिए आपको दिया गया है कि अगर किसी एटम का फर्स्ट और सेकंड, अगर किसी एटम का आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको दिया गया इतना, तो आपको बताना है कि उसका फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा। देखो बहुत ही साधारण सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, आप थोड़ा समझने का प्रयास करना। देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, है ना। आयनाइजेशन पोटेंशियल बराबर आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन ई, ये सब बता रखा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ई इंटू आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो मुझे बताओ आप, जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ये कितनी हो जाएगी, 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा कि नहीं।
और आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है 13.6। ठीक है भाई, ये एनर्जी का क्या मतलब, इसका मतलब ग्राउंड स्टेट से, देखो अब ग्राउंड स्टेट से ही होगा आयनाइज, है कि नहीं, आपको कुछ बोला नहीं कि एक्साइटेड स्टेट में कुछ बोला नहीं है, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट आपको मानना पड़ेगा। और ऐसे ही पता चल रहा है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालना है, इसका मतलब ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेशन, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 2 तक ले जाने के लिए कितना पोटेंशियल आपको लगाना पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी आ गई, 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, इसका मतलब 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये कितना होगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एन हमारा कितना होगा 1 होगा क्योंकि ग्राउंड स्टेट से आयनाइज हुआ होगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर बराबर 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हमको ये पता नहीं कि एटम कौन सा है, हाइड्रोजन नहीं देगा हमको पता नहीं, इसलिए हम लोग जेड स्क्वायर के साथ डील करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से 13.6 जेड स्क्वायर बराबर इतना आ गया। अब जरा सोचो ये बेसिकली क्या है, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, भाई माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये एनथ एनर्जी लेवल की एनर्जी होती है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होगी जब इलेक्ट्रॉन एन बराबर 1 मिलाई करेगा, ठीक है, तो उस समय एटम की जो एनर्जी होगी, ठीक है, उस स्टेट में जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी बताइए, -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा कि नहीं बताओ, इसका मतलब एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट, समझने का प्रयास करिएगा, मतलब n बराबर 1 में जब होगा, भाई n बराबर 1 रखा हमने तब तो एनर्जी क्या होती है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी, इतनी है, तो n बराबर 1 हमने रखा, ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, इतना आ गया, तो आप कह सकते हो सर एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट कितना हो गया, -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए किसी को, बहुत सीधी सी बात है, समझो ध्यान से ग्राउंड स्टेट से, आप देखो सीधी सी बात है, आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ग्राउंड स्टेट से बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी रही होगी, इतनी रही होगी तभी तो टोटल एनर्जी जीरो हो रही होगी। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी हमारी इतनी होगी। अब चलो देखते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का क्या मतलब, देखो ये एन बराबर 1 और ये n बराबर 2, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना चाहिए, तो आप एनर्जी निकाल लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, आप एनर्जी निकाल लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, इलेक्ट्रॉन हटा दोगे वो क्या बन जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल बन जाएगा। तो मुझे बताओ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए आपको के जो एनर्जी चाहिए इसको इसमें से ले जाने के लिए, तो क्या होगा, डेल्टा ई बराबर, ठीक है, 13.6 जेड स्क्वायर, ठीक, समझ में आ रहा है बात कि नहीं, ठीक है, और कितना हो जाएगा बताइए, 1/, या ऐसे कह लो इसकी एनर्जी भी लिखना चाहो तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, n बराबर 2 n बराबर 3, मैं यहाँ लिख देता हूँ सीधा सीधा, इसमें कितनी एनर्जी है, -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें कितनी एनर्जी आएगी बताइए, -13.6 जेड स्क्वायर, समझिएगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, इसमें बताइए कितनी एनर्जी होगी, -13.6, ठीक है, अपॉन, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना 9, यही होता ना एनर्जी, याद करिए जो ईएन होता है ये कितना होता है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या यही एनर्जी होती है एनथ ऑर्बिट की, तो ये 3 रखोगे तो 9 हो जाएगा और ये जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस थर्ड एनर्जी लेवल की एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको क्या पूछा गया है कि यहां से यहां तक ले जाने में, ठीक है, कितना आपको एनर्जी देना पड़ेगा या कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे बताओ फॉर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है, आप मुझे बताओ डेल्टा ई मुझे क्या लिखना चाहिए, इसकी एनर्जी में से इसको, इसकी एनर्जी को घटा देना चाहिए मुझे, है कि नहीं भाई, इसमें से मुझे इसको इसमें ले जाना है, तो कितना चाहिए एनर्जी, इनका डिफरेंस के बराबर मुझे एनर्जी देना पड़ेगा, तो इनका डिफरेंस के बराबर एनर्जी कितना होगा, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन व्हाट 4 और -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, मतलब जब आप इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में है जब इसको आप इतनी एनर्जी सप्लाई करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला जाएगा, इसका मतलब जो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल हुआ ये हमारा फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी हो गई।
यहाँ से यहाँ तक ले जाने का, तो इसका मतलब फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल जो आया वो कितना आ जाएगा, 91.8 ठीक है वोल्ट में आ जाएगा। इसी तरीके से फॉर सेकेंड एक्साइटेशन, फॉर सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी क्या करना पड़ेगा आपको बताइए, जो एनर्जी हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा मतलब इसमें से मुझे उसमें ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा अपने को, तो क्या लिखोगे बताओ, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन व्हाट 9, ये आप समझ रहे हो कैसे आया, 13.6 जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 122.4 है ना, ये देख लो आप इसकी वैल्यू कितनी 122.4 है, तो आप चाहो तो और अच्छे से इसको लिख सकते हो ऐसे, ये हो जाए कितना माइनस 122.4 अपॉन 4 ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस कितना 122.4 मतलब ये 91.8, तो पूरा लिख लो आप ऐसे ठीक है, तो ये हो जाएगा और माइनस माइनस 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऐसे ही रहने दो, सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा बताइए, माइनस 122.4 अपॉन 9 और प्लस 122.4, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 108.8 वोल्ट, ये हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको आप फिर से करना ओके। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग ध्यान से देखिए क्या लिखा है, देखो हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब बताया था हाइड्रोजन लाइक एटम्स बोर्स का मॉडल उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, क्या क्या हो सकता है, जैसे मैंने बताया था आपको ठीक है लिथियम 2 प्लस बताया था, लेकिन हीलियम प्लस बताया था, तो ये सब हाइड्रोजन लाइक एटम्स है, तो क्या लिखा है हाइड्रोजन लाइक एटम्स मे बी इन एक्साइटेड स्टेट, तो ब्रैकेट में लिखा है मे बी इन एक्साइटेड स्टेट मतलब वो ग्राउंड स्टेट में भी हो सकता है और एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकता है, समझने का प्रयास करिए, वो ग्राउंड स्टेट में भी हो सकता है और एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकता है, हमको पता नहीं सोचना पड़ेगा सवाल में ठीक है, वो ऐसे एटम्स हैं ठीक है। अब ये बोला गया है कि एब्जॉर्ब फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 68.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक, वो क्या करते हैं फोटॉन एब्जॉर्ब करते हैं जिनकी एनर्जी कितनी है 68.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट 3 डिफरेंट फोटॉन्स आर एमिटेड इन एमिशन स्पेक्ट्रम, तो देखो जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे तो वापस जब लौटेंगे तो क्या वो फोटॉन्स एमिट करेंगे, तो कितना बोला कितने फोटॉन्स वो एमिट कर रहा है 3 फोटॉन एमिट कर रहा है, और उनकी एनर्जी के बारे में क्या बोल रहा है, उनकी एनर्जी या तो जो भी फोटॉन वो एमिट कर रहा है या तो वो 68.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हैं 68.04 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के हैं या उससे ज़्यादा के हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो 3 फोटॉन वो एमिट कर रहा है और 3 फोटॉन जब वो एमिट कर रहा है तो उनमें से जो तीनों फोटॉन की जो एनर्जी है तो किसी की 68.404 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या उससे ज़्यादा है, उससे कम किसी का भी नहीं है, उससे उसके बराबर है 68.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के या उससे ज़्यादा है ठीक है। तो मेरे भाई सवाल ये उठता है कि जिस एटम के साथ ये किया गया है सारा चीज़ ठीक है, उस एटम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर जेड वो क्या होगा आपको बताना है, समझ में आई बात, चलो देखते हैं सिंपल सी बात है कैसे करना है। देखो भाई हम लोग एनर्जी लेवल्स बना लेते हैं, पहले एक काम करते हैं 1, 2, 3, 4 तो एन बराबर 1, 2, 3 और 4 ओके, तो ये कितना हुआ माइनस 13.6 जेड स्क्वायर माइनस 3.4 मैंने बोल रखा याद होना चाहिए माइनस 1.51 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा कुछ हो गया। अब ज़रा सोचो अगर एमिशन स्पेक्ट्रम में 3 डिफरेंट लाइन्स हमको मिल रही हैं 3 डिफरेंट एनर्जी के फोटॉन अगर इमिट हो रहा है तो किस लेवल से ट्रांजिशन हुआ होगा, किस लेवल से ट्रांजिशन नीचे की तरफ हुआ होगा सोचना है। आप ज़रा सोचो जब n बराबर 4 से ट्रांजिशन होता था ग्राउंड स्टेट में, देखो फाइनली तो ग्राउंड स्टेट में भी आएगा ना क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इसी में आएगा, मतलब जब भी चाहे एक्साइटेड स्टेट से चाहे कहीं से भी ट्रांजिशन हो कहीं से भी वापस कहाँ पर आएगा वो ग्राउंड स्टेट में ही आएगा
अगर वो पहले से भी एक्साइटेड स्टेट में है तो भी वो क्या करेगा बताइए, तो भी वापस ग्राउंड स्टेट में ही आएगा, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करें तो इसका मतलब जो आपका जिसमें इलेक्ट्रॉन को फाइनली आना एक्साइट होने के बाद, वो यही है। ठीक है, कौन सा? ग्राउंड स्टेट। ठीक, तो आप जरा सोचो, अगर तीन डिफरेंट लाइन मिल रही हैं तो बताइए, आप तीन डिफरेंट लाइन अगर मिल रही हैं हमको, तो मुझे आप बताइए कि किस लेवल से ट्रांजिशन हुआ होगा। याद करिए, जब n बराबर 4 से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन होता था तो 6 स्पेक्ट्रल लाइन मिलती थी। नहीं, जब आप n बराबर 3 से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन कराते थे तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती? तीन। देख लो आप, देखो n बराबर 3 से अगर n बराबर 1 में कराओ कितना आएगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बताइए? 3 माइनस 1 अपॉन 2, ये 3 आया कि नहीं? इसका मतलब अगर तीन स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही हमको, तीन डिफरेंट एनर्जी के फोटॉन्स हमको एमिशन में मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब जो ट्रांजिशन n बराबर 3 से n बराबर 1 में हुआ होगा। तो इसका मतलब आप बताओ किस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जो कि गया होगा ट्रांजिशन के लिए, ठीक है, इसमें कहीं आया होगा वो n बराबर 3 में। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ होकर कहाँ पर आया? इसमें आया, n बराबर 3 में आया। वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ पर आया? इसमें आया, क्योंकि जब इसमें आएगा तभी इसमें कूदेगा, इसमें इसमें कूदेगा, तो तीन डिफरेंट लाइंस अपने को दिखेंगे। ये आप बात समझ में आ गई सबको? चलो ठीक, बहुत बढ़िया भाई। अब ये सवाल उठता है कि ट्रांजिशन कहाँ से हुआ है, ठीक है, ट्रांजिशन कहाँ से हुआ है, नीचे से, मतलब किस एनर्जी लेवल से वो n बराबर 3 में गया होगा। अब अपने पास दो ऑप्शन है, अगर ग्राउंड स्टेट में रहा होता एटम शुरुआत में तो यहाँ से इसमें ट्रांजिशन होता, और अगर पहले से एक्साइटेड स्टेट में था तो वो यहाँ से इसमें जाता। देखो सवाल में क्लैरिटी नहीं है, पता नहीं चल रहा अपने को। देखो लिखा ना, हाइड्रोजन लाइक एटम्स में बी इन एक्साइटेड स्टेट, मतलब वो ग्राउंड स्टेट में भी हो सकते हैं और एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकते हैं। थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। तो अगर सोचो, अगर यहाँ से मैं दोनों सिचुएशन साथ साथ लेके चलता हूँ, ठीक है, तो एक सिचुएशन मैं लेके चलता हूँ जब एक बार ग्राउंड स्टेट से हुआ है, मैं तीन ही बना रहा हूँ, n बराबर 1, n बराबर 2 और n बराबर 3। अगर मान लो ग्राउंड स्टेट से ये फोटोन कितने का लिया है? 68.04 का लिया है, ठीक है, वो इसमें से इसमें गया मान लो, ठीक। और दूसरा सिचुएशन लेके हम लोग चलते हैं, मान लीजिए जाना तो थ्री में, मान लीजिए पहले से एक्साइटेड स्टेट में था, ठीक है, तो यह इसमें से इसमें चला गया, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। अब सोचो, जब अब ट्रांजिशन इसमें से ग्राउंड स्टेट में होना है, ठीक है, बीच में आते आते मतलब टू में भी आएगा वो, तो अगर हमको कैसे पता करना है किससे स्टार्ट हुआ है? हमको इससे पता चलना है कि जो फोटॉन निकलेगा उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 68.04 या उससे ज़्यादा। तो अब मुझे बताओ, अगर 68.04, समझिएगा ध्यान से, अगर 68.04 का फोटॉन है और 68.04 का फोटॉन निकल रहा है, उससे ज़्यादा एनर्जी का फोटॉन निकल रहा है, समझिएगा इस बात को, तो ये सही होना चाहिए या ये सही होना चाहिए? चलो पहले इसको देखते हैं, ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब किया 68.04, तो अगर मैं इसको मानूँ तो इसका मतलब इसका इसका डिफरेंस, इस लेवल का डिफरेंस और इस लेवल का जो डिफरेंस है डेल्टा ई, ये 68.04। जरा सोचिएगा, अगर ग्राउंड स्टेट से इसमें गया होगा तो इन दोनों लेवल का जो डिफरेंस कितना, इतना होना, तभी तो इसमें से इसमें जाएगा। तो अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो इसमें से इसमें आ सकता है, पहला तरीका, और क्या हो सकता है, इसमें से इसमें आ सकता है या डायरेक्टली इसमें से इसमें आ सकता है। तो मुझे बताओ, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी निकलेगी वो इसी ट्रांजिशन में निकलेगी, तो इसमें जो एनर्जी निकलेगी 68.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलेगी। तो अब बताओ, अब ये डिफरेंस तो इससे तो छोटा ही ना, ये डिफरेंस, ये भी डिफरेंस छोटा है, इसमें जो एनर्जी निकलेगी, अगर मैं कह दूँ ये ई नॉट है, इस 68.04 इसमें जो एनर्जी निकलेगी E, क्या वो लेस देन ई नॉट होगी? क्योंकि ये डिफरेंस बड़ा है, ये डिफरेंस छोटा है, तो ये ई नॉट मतलब इतना, ठीक। अच्छा, इसमें जो एनर्जी निकलेगी, आप जरा सोचो इसमें क्या होगा, इसमें भी जो लेवल का डिफरेंस है इस लेवल से तो कम है, इसका मतलब जो इसमें भी जो एनर्जी निकलेगी E, वो किसके बराबर होगा? लेस देन ई नॉट, ऐसा होगा, सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसका मतलब जो तीन फोटॉन निकल रहे हैं उसमें एक की एनर्जी तो 68.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, लेकिन बारह दोनों की कम होगी। लेकिन सवाल में देखो क्या बोला है, कि जो एनर्जी निकलेगी एमिशन में फोटॉन्स की, वो या तो 68.04 या उससे ज़्यादा कम नहीं हो सकती। इसमें एक का तो 68.04 आया, लेकिन बाकी का उससे कम आया, इसका मतलब ये जो हमारा है वो गलत हुआ। अब इसमें यहाँ देखना पड़ेगा,
अब अगर पहले से ही वो एक्साइटेड स्टेट में था, मतलब n बराबर 2 में रहा होगा, यहाँ तक पहुँचा है ये ग्राउंड, तो एक्साइटेड स्टेट यही वाला हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इसमें से इसमें गया है तो ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये जो डिफरेंस इनका डेल्टा ई, ये होना चाहिए 68.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब देखो जब लौटेगा तो क्या होगा, इसमें से इसमें आएगा, इसमें से इसमें आएगा, और तीसरा केस डायरेक्ट इसमें आ जाए, ठीक है, ढेर सारे एटम से याद रखिएगा। तो इसमें जो एनर्जी, इसको मैं कह दूँ अगर ये ई नॉट है, तो इसमें जो एनर्जी निकलेगी ई, वो कितना होगा ई नॉट। अब मुझे बताओ टू और थ्री का जो डिफरेंस है वो कम है और वन और टू का डिफरेंस ज़्यादा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस से ज़्यादा, ये डिफरेंस कितना था हमारा ई नॉट, तो ये जो डिफरेंस होगा ई ग्रेटर देन ई नॉट होगा, और ये तो ई से बहुत, ई नॉट से और ज़्यादा जो कि ग्रेटर होगा, ई ग्रेटर देन ई नॉट होगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे जो एक फोटॉन निकला है कि नहीं, वो तो ई नॉट मतलब 68.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और यहाँ पे जो निकला वो ई नॉट से ज़्यादा, यहाँ पे भी ई नॉट से ज़्यादा है कि नहीं। इसका मतलब जो तीन फोटॉन निकल रहे हैं उनमें से एक की एनर्जी 68.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बाकी दोनों की उससे ज़्यादा है। इसका मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये वाला सही है और ये वाला गलत है, ठीक है ना। तो इसका मतलब n बराबर 2 में पहले से इलेक्ट्रॉन रहा होगा एक्साइटेड स्टेट में, वो 68.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लिया और वो एक्साइट होकर किस में चला गया, n बराबर 3 में चला गया। लौटते समय तीन फोटॉन एमिट करता है, एक की एनर्जी 68.04 और बाकी की उससे ज़्यादा, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या पूछा गया, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। अब जरा सोचो तो n बराबर 2 और n बराबर 3 का जो डिफरेंस है ये कितना, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है ये सही है, इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है 68.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो चलो देख लेते हैं सीधी सी बात है, तो क्या कहोगे डिफरेंस निकालो कितना हो जाएगा, 3.4, ठीक है, -1.51 जेड स्क्वायर -3.4, ठीक है, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 68.04। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करिए, देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा 9, ठीक है, कितना बचेगा 13 में से 5 गया 8, ठीक, और हो जाएगा कितना 1.89 जेड स्क्वायर बराबर 68.04। तो यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये जो जेड स्क्वायर जो आएगा लगभग 36 के बराबर आएगा, तो जो जेड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6। तो जो आयन रहा होगा, जो स्पीसीज रही होगी हमारी, ठीक है, जिस पर ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया, उस स्पीसीज का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना रहा होगा, 6 रहा होगा, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था, कंसेप्चुअल सवाल था, तो उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं जो आईटी जेई में आया हुआ है ना, एक जेई का अच्छा सा प्रॉब्लम करते हैं, देखिए। अगला सवाल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज गिवन बाय, ठीक है, वी बराबर वी नॉट ln r बाय r नॉट, जहां वी नॉट और r नॉट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, जहां वी नॉट, वेयर V naught and R naught are what? Constants. ये दोनों क्या हैं? Constants हैं, ठीक है, ओके। आगे लिखा है Assuming Bohr's model to be applicable the variation of radius, इसको हम लोग कह देंगे आर एन, ठीक है, varies with n, n मतलब प्रिंसिपल कॉम्प्टन नंबर,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, द अप्लीकेबल द वेरिएशन ऑफ रेडियस आर एन वेरीज विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, इज चार ऑप्शंस में लिख दे रहा हूँ, ऑप्शंस देखिए क्या क्या है, ये जेई का सवाल है, बढ़िया सवाल है, देखिए पहला ऑप्शन है आर एन प्रपोर्शनल टू वन बाई एन, बी है आर एन प्रपोर्शनल टू एन, ठीक है, सी जो है आर एन प्रपोर्शनल टू एन स्क्वायर, और डी है आर एन प्रपोर्शनल टू वन बाई एन स्क्वायर। आपको बताना है कि क्या सही होगा। देखो सवाल ये दिया गया है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का, ठीक है, जिनके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए आर है, ठीक, तो देखो ये कौन सा वही सिस्टम है, बोर्स मॉडल वाला, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम वाला, है ना, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ और बीच में एक ही जो कि हाइड्रोजन लाइक है, तो प्रोटॉन एक ही होगा ना, तो उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया ये दे रखा है, ठीक। अब आपको बताना है कि अगर यहाँ पे बोर्स मॉडल को, ठीक है, अगर मैं बोर्स मॉडल को अप्लीकेबल मान लूँ इस सिस्टम में जो दिया गया है, तो आपको बताना है कि जो इसका रेडियस है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से किस तरीके से रिलेटेड होगा। क्लियर है, याद है ना सबको, एक हमने जो एक्चुअल में निकाला था क्या था, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, तो वहाँ पे आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता था, यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कौन सा सही होगा, इसमें क्या आएगा, ठीक, जो एक्चुअल हमने निकाला था याद है ना, जो हमने डिराइव किया था, ठीक है, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, तो वहाँ पे आर एन प्रोपोर्शनल टू क्या होता था बताइए, एन स्क्वायर होता था, है ना, देख लीजिएगा फॉर्मूला वहाँ पे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा ये अपने को समझना है, क्लियर है, चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल दे रखा है, इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगी जो आर डिस्टेंस पे होंगे, वो कितनी होगी बताइए, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी U बराबर हो जाएगा, अगर इतना वोल्ट है, समझिएगा, अगर कितना वोल्ट दे रखा है, इतना वोल्ट दे रखा है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, क्यू इंटू वी के बराबर, और क्यू हमारा क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है, तो हो जाएगा ई वी, मतलब कितना, ई वी नॉट, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, ई वी नॉट एल एन आर बाई आर नॉट, ये समझ में आ रहा, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ चुके हैं ना हम लोग, बोलिए, क्यू इंटू वी होता है ना, क्यू इंटू वी पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो यहाँ पे क्यू का मतलब क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ओके, तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो अब अगर पोटेंशियल एनर्जी मुझे पता है और फोर्स कंजर्वेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी अगर अपने को पता है और फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है, तो ज़रा याद करिए आप लोग, ठीक है, क्या रिलेशन होता है, जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है और जो पोटेंशियल एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी में हम लोग पढ़ चुके हैं, F बराबर माइनस डी यू बाई डी आर होता है, ठीक है, तो जो फोर्स होगा, जिस फोर्स के कारण ये पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, वो किसके बराबर होगा, माइनस डी यू बाई डी आर। अच्छा देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ई वी नॉट एल एन आर माइनस ई वी नॉट एल एन आर नॉट, और ये पूरा चीज़ क्या है बताइए, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो चलो देखते हैं कितना हो जाएगा, ये पहले इस टर्म को देखते हैं, ई वी नॉट माइनस हो जाएगा, ई वी नॉट कॉन्स्टेंट एल एन आर का क्या हो जाएगा, वन बाई आर हो जाएगा, ठीक है, और ये जो कि ये पूरा टर्म कॉन्स्टेंट होते क्या हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ठीक, मतलब जो F आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ई वी नॉट बाई आर। अब इसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में, इसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो इलेक्ट्रॉन होगा प्रोटॉन के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा होगा, ठीक है। अच्छा जो एक्चुअल सिचुएशन पढ़े थे, याद करिए, जो एक्चुअल सिचुएशन पढ़ते थे उसमें F प्रोपोर्शनल टू क्या होता था, वन बाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है, वन बाई आर, अरे यार वहाँ पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता था F 1/4πε0 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स होता था ना, तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या आता था, 1/4πε0 ze स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, तो आर एन प्रोपोर्शनल टू क्या आता था, n स्क्वायर आता था, लेकिन यहाँ F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर नहीं आया, क्या आया, 1/r आया। तो अब आपको ये बताना है कि जो आर एन वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो चलो अगर मैं ये कह दूं कि मान लो कि nth ऑर्बिट में स्पीड कितनी है, vn है, तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा
इस जो हमने फोर्स निकाला है ई वी नॉट बाई आर के बराबर होगा। सेंट्रिपिटल फोर्स बताइए, अगर मैं कह दूं इलेक्ट्रॉन का मास एम है ये कितना हो जाएगा, वी एन का स्क्वायर अपॉन आर एन, ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा ई वी नॉट, इसको मुझे आर एन लिखना पड़ेगा, इन मान लेते हैं अनथ ऑर्बिट में है ये, ठीक है, तो एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर एन बराबर, ठीक, इस तरीके से कुछ हो जाएगा। तो आर एन से आर एन गया, तो यहाँ से मुझे बताओ वी एन बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ई वी नॉट, सॉरी ई वी नॉट अपॉन वॉट एम हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा वी एन की वैल्यू। अब हमारे पास जो दूसरा रिजल्ट है क्या एंगुलर मोमेंटम वाला, वो क्या था, एम वी एन आर एन बराबर एन एच अपॉन वॉट टू पाई, ठीक है, तो यहाँ से मुझे बताओ आप एम वी एन की वैल्यू कितनी है, बताइए अंडर रूट ई वी नॉट अपॉन एम इंटू आर एन बराबर एन एच अपॉन टू पाई, तो क्या मैं यहाँ से आर एन की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बताइए कितना होगा, एम सेम जाएगा, ये हो जाएगा एन एच अपॉन टू पाई, और अंडर रूट कितना हो जाएगा बताइए ज़रा, अंडर रूट देखो ये एन एच अपॉन टू पाई, ये नीचे एम अपॉन ई वी नॉट हो जाएगा ना, अंडर रूट कितना होगा बोलिए, ये अच्छा एम ऊपर आ जाएगा ना, तो नीचे हो जाएगा सब कुछ एम ई वी नॉट, ये हमारा आर एन आ गया, ठीक है, तो हमको डायरेक्ट दिख रहा है क्या आर एन प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है एन आ रहा है, तो इसका मतलब जो आर एन है ये प्रोपोर्शनल टू क्या, कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना एक बार, ठीक है, तो आर एन क्या आ गया एन आ गया प्रोपोर्शनल, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा सही होगा, समझ में आई बात, ठीक है, तो सिंपल सी बात थी बिल्कुल। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करते हैं, क्या है स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, ये केमिस्ट्री में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, देखो कैसे करना है, आपको पता है कि जो स्पेक्ट्रल सीरीज हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज हाइड्रोजन एटम की, उसको पांच पार्ट में बांटते हैं, ठीक है, वो वैज्ञानिक का नाम सब याद ही होगा आप लोगों को ना, लाइमन बामर पाश्चन बैकेट और फुंड, ठीक है, तो ये पाँच सीरीज हैं इनके, पाँचों के पाँचों, ये कुछ एक जो कि आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है, एक विजिबल रीजन में, उसके बाद फिर बाकी सब जो कि क्या कहते हैं उसको इंफ्रारेड रीजन में होता है, ठीक है, तो ये सब बात आप सब लोग पढ़े हुए थे, एक बार जल्दी से इसको हम लोग रिकॉल कर लेते जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक, तो देखो सबसे पहला क्या लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज क्या होता है समझिएगा ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन, देखो क्या लिखा है, द स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ दिस सीरीज, ठीक है, करिस्पॉन्ड्स टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू फर्स्ट एनर्जी स्टेट, फर्स्ट एनर्जी स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट, मतलब n बराबर 1, मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से, समझिएगा ध्यान से, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करता है, तो जो वो लाइन्स एमिट होती हैं, जो वेवलेंथ एमिट होती हैं, वो वेवलेंथ, ठीक है, कौन सी सीरीज बनाती हैं, वो सीरीज बनाती हैं कौन सा, लाइमन सीरीज, ठीक है, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन करता है ग्राउंड स्टेट को, तो जो करिस्पॉन्डिंग फोटॉन्स निकलते हैं, वेवलेंथ निकलती हैं, उनको उनकी उनकी जो पूरी, ठीक है, सीरीज़ है वो किस में लाई करती है, लाइमन सीरीज में लाई करती है, इसका मतलब ट्रांजिशन होने के लिए कोई हायर ऑर्बिट होना चाहिए वहाँ से ग्राउंड स्टेट में, तो एन वन तो हमारा वन हो जाएगा, और N2 उससे ज़्यादा सेकेंड से वन में आ सकता है, थर्ड से वन में आ सकता है, फोर्थ से वन में आ सकता है, फाइव से वन में आ सकता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, लाइमन सीरीज बन जाएगा, तो देखो आप फॉर्मूला हमारा क्या है, लैम्डा का 1 बाई लैम्डा बराबर आर जेड स्क्वायर 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, तो जेड बराबर 1 रख देंगे हम लोग, तो कितना होगा 1 बाई लैम्डा बराबर आर, और एन वन कितना है 1 है लाइमन सीरीज के लिए, और एन टू 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ओके, समझ में आया बात, अच्छा बहुत बढ़िया, अब देखो सवाल इसमें ये पूछता है, किसी भी सीरीज का लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको निकालने को पूछेगा, किसी भी सीरीज का लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालने को पूछेगा, जरा सोचिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जो इस लाइमन सीरीज में जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, लाइमन सीरीज में जो हमको स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही हैं उन स्पेक्ट्रल लाइंस में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, देखो ये हमने बना रखा है, ये हमारा लाइमन सीरीज है, कैसे एन बराबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड ऊपर चलते जाओ, तो किसी भी हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन हुआ, देखो
n बराबर 5 से, n बराबर 4 से, n बराबर 3 से, n बराबर 2 से, इस तरीके से ट्रांजिशन किस में हुआ है? ग्राउंड स्टेट में हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट में हुआ है। तो ये पूरी जो लाइंस हैं, जो मिली स्पेक्ट्रल लाइंस, वो सब के सब लाइमन सीरीज में आ जाएंगी। ज़रा सोचो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगा? जब एनर्जी सबसे कम निकले, जिस फोटॉन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी सबसे कम निकलेगी उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो बताइए सबसे कम एनर्जी कब होगी? सोचिए, सबसे कम एनर्जी कब होगी? जब ट्रांजिशन वन में होना, याद रखिएगा, किसी हायर एनर्जी से, जब एनर्जी गैप सबसे छोटा होगा। कौन सा एनर्जी गैप सबसे छोटा है? 3 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7, किस कौन सा है? दिख रहा है 2 7। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n बराबर 2 से n बराबर 1 में होगा, उस समय एनर्जी मिनिमम होगी और जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो देखो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हमारा n2 बराबर क्या होना चाहिए? 2, मतलब 2 से 1 में ट्रांजिशन होना चाहिए। तो यहाँ पे n2 बराबर हम लोग क्या रख देंगे? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, रिडबर्ग कॉन्स्टेंट की वैल्यू रख दी, ये मीटर में आएगा। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो लैम्डा की वैल्यू हमारी निकल कर आएगी, ठीक है, कितनी निकल के आएगी? 1216 एंगस्ट्रॉम निकल कर आएगी ना, 1216 एंगस्ट्रॉम। ये कैलकुलेट करके आप देख सकते हो। अब ज़रा सोचो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब कौन सी होगी? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब आएगी जब एनर्जी जिस फोटॉन की मैक्सिमम हो। तो जब सबसे हायर एनर्जी लेवल से जब गिरेगा, तो सबसे हायर एनर्जी लेवल क्या होगा? इन्फिनिटी वाला। इसका मतलब इन्फिनिटी से जब ग्राउंड स्टेट में गिरेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा एनर्जी का फोटॉन रिलीज होगा, निकलेगा, और सबसे छोटी वेवलेंथ उस समय आएगी। तो बताइए क्या होगा? 1 बाई लैम्डा बराबर 1.0 9 7 10 पावर 7, यहाँ पे 1 और n बराबर इन्फिनिटी, इतना मीटर आएगा। तो लैम्डा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 912 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे छोटी वेवलेंथ ये, सबसे बड़ी वेवलेंथ ये। अब देखो, ज़रा सोचो, अब ये जो हमारा स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आपने पढ़ा होगा ना, एक्सरे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, विजिबल लाइट, है कि नहीं, रेडियो वेव्स, ये सब पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ठीक है। तो जो ये जो हमारा, ठीक, ये जो हमारा लाइमन सीरीज़ की जो वेवलेंथ है वो स्पेक्ट्रम के किस पार्ट में लाई कर, समझिएगा, ये सबसे छोटी वेवलेंथ, सबसे बड़ी, मतलब जो भी लाइमन सीरीज की लाइंस होंगी, स्पेक्ट्रल लाइंस, वो इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेंगे। 912 से ज़्यादा, 912 से लेके उससे ज़्यादा, और 1216 से लेके उससे कम, इसी रीजन में लाई करेंगे। तो ये जो रीजन है, ये स्पेक्ट्रम के किस भाग में लाई करता है? अल्ट्रा वायलेट भाग में, ठीक है। ये जो वेवलेंथ है 912 से लेके 1216 एंगस्ट्रॉम तक, ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है। तो वही चीज़ देखो, मैंने यहाँ लिखा है, 10 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज लाइज, ठीक है, लाई इन दी अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसमें कुछ टर्म्स हैं सवाल में लिखे होते जो आपको जानना चाहिए। जब सेकेंड से फर्स्ट में लाइमन सीरीज में, जब सेकेंड से फर्स्ट में जब रेडिएशन होता है, ट्रांजिशन होता है, जब इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें ट्रांजिट करता है 2 7 में, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है, जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। इसी तरीके से n बराबर 3 से n बराबर 1 में जब होगा ट्रांजिशन, तो उसको कहेंगे सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ये फर्स्ट लाइन, ये वाली सेकेंड लाइन, ये वाली थर्ड लाइन, समझ में आ रही बात? 2 7 में तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, 3 7 में तो सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। तो हमने वही लिखा, जब n बराबर 2 से n बराबर 1 में ट्रांजिशन होगा तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज उसको कहेंगे, जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी उसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट लाइन। इसी तरीके से n बराबर 3 से n बराबर 1 में हुआ तो सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, और जब इन्फिनिटी से कहाँ पर आएगा? n बराबर 1 में, तो उसको हम लोग कहते हैं सीरीज लिमिट। क्या बोलते हैं? सीरीज लिमिट। तो n2 बराबर इन्फिनिटी से n1 बराबर 1 में जब होगा तो कहेंगे सीरीज लिमिट। तो सीरीज लिमिट मतलब इन्फिनिटी से गिरना चाहिए तो सीरीज लिमिट कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? लाइमन सीरीज। बाकी सब बहुत आसान है। इसी तरीके से दूसरा क्या है, थोड़ी थोड़ी सी बातें बदलते जाएंगे, आप लोग लिखते जाएंगे सब कुछ। दूसरा जो है वो है बामर सीरीज। तो बामर सीरीज देखो, ये वाला है, जब किसी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 में गिरता है, n बराबर 2 में ट्रांजिशन करता है, तो करस्पॉन्डिंग जो लाइंस होती हैं वो किसका पार्ट होती हैं? बामर सीरीज का पार्ट होती हैं। तो वही चीज़ देखो, हो गया, द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ दिस सीरीज करस्पॉन्ड्स टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू फर्स्ट की जगह इस बार क्या हो जाएगा बताइए?
सेकेंड एनर्जी स्टेट हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड एनर्जी स्टेट हो जाएगा। तो एन वन बराबर कितना, एन बराबर टू, मतलब एन वन बराबर टू हो जाएगा और एन टू दो से आगे तीन चार पाँच छः सब कुछ भी होगा। तो ये हमारा हो जाएगा बामर सीरीज, दो तीन से दो, चार से दो, पाँच से दो, छः से दो, सात से दो या उसके आगे भी, ठीक है। तो अब बताइए बामर सीरीज के लिए जो लोअर एनर्जी स्टेट हो गया वो टू हो गया, तो वन बाई टू का स्क्वायर एन वन की जगह टू और एन टू की जगह थ्री फोर फाइव कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए सोच के देखिए क्या होना चाहिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी का गैप सबसे छोटा होना चाहिए, टू में आना है तो एनर्जी गैप सबसे छोटा कब होगा, जब तीन से दो में आए, जब तीन से दो में आए। तो जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अपन लोग निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, वन बाई टू का मतलब हो जाएगा वन बाई फोर या वन बाई टू स्क्वायर लिख दो, और किस में से आना चाहिए, तीन में से आना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एन टू की जगह थ्री का मुझे स्क्वायर लिखना चाहिए। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है 6863 एंगस्ट्रॉम इसकी वैल्यू आती है, 6863 एंगस्ट्रॉम इसकी वैल्यू आती है। सॉल्व करके आप देख सकते हो, ये कोई याद करने वाली बात नहीं, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो कितनी आ गई, 6863। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी से किस में गिरना चाहिए, एन बराबर टू में गिरना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वन बाई टू का स्क्वायर, ये इन्फिनिटी, ठीक है, इतना मीटर में आएगा। जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने पर ये जो वैल्यू आती है 3646 आती है ना, 3646 एंगस्ट्रॉम आती है। तो ये सब बिल्कुल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके, 3646 ये वैल्यू हमारी आती है, ठीक है। तो अब जरा सोचो, ये जो बामर सीरीज की जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनका रेंज आपको पता चल गया कहाँ से कहाँ सर, 3000 या लगभग 3600 से लेके 6800 है ना, लगभग 3600 से लेके 6800 हो गया, ठीक है। अब जरा सोचो ये स्पेक्ट्रम के किस पार्ट में लाई करती हैं। देखो आपने पढ़ा ही होगा, ये कई बार केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, ठीक है, कि जो विजिबल रीजन होता है उसका रेंज क्या होता है, जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी वेवलेंथ का रेंज क्या होता है, 3600 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, याद है ना सबको। ये जो विजिबल रेंज होता है, विजिबल रीजन का जो रेंज होता है क्या होता है, वो 3600 एंगस्ट्रॉम से लगभग कहाँ तक, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है ये विजिबल रीजन। तो तुम जरा देखो ध्यान से, तुम जरा इसको ध्यान से देखो, ये जो रीजन है 3646 से 6863 क्या इसी रीजन में लाई कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल ये इसी रीजन में लाई कर रहा है। तो अगर ये इसी रीजन में लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ व्हाट, बामर सीरीज किस में लाई करती है बताइए, लाई इन दी विजिबल रीजन है ना, विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसी तरीके से n बाय बराबर, अब इसमें फर्स्ट लाइन क्या होगा, n बराबर टू आप कह सकते हो, n बराबर थ्री से n बराबर जब टू में आएगा तो उसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, या इसी को हम लोग कहते हैं एच अल्फा लाइन। क्या कहते हैं, इसमें कुछ और बातें जानना चाहिए, एच अल्फा लाइन। जब n बराबर थ्री से n बराबर टू में ट्रांजिशन होगा तो वो फर्स्ट लाइन होगा, ये वाला फर्स्ट लाइन होगा और इसका एक नाम और एच अल्फा लाइन। इसी तरीके से एन टू बराबर थ्री से, एन टू बराबर फोर से जब एन वन बराबर टू में करेगा तो इसको हम लोग कहेंगे सेकेंड लाइन, इसको कहेंगे हम लोग सेकेंड लाइन, या इसका दूसरा नाम है एच बीटा लाइन। इसी तरीके से एच गामा हो जाएगा, ठीक है, फाइव से टू में आएगा तो, और सीरीज लिमिट का मतलब समझ में आ ही रहा है, इन्फिनिटी से लेके एन बराबर टू में जब आएगा, इन्फिनिटी से एन बराबर टू में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन तो वो सीरीज लिमिट हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा हमारा हो गया बामर सीरीज। इसी तरीके से बाकी सब एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरा क्या है, पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज क्या है, ये वाला पाश्चन सीरीज। तो पाश्चन सीरीज में देखिए क्या होगा, पाश्चन सीरीज में एन बराबर थ्री में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से, तो क्या कहोगे, द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ दिस सीरीज करिस्पॉन्ड्स टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू कौन सा, थर्ड एनर्जी लेवल, ठीक है ना, थर्ड एनर्जी लेवल मतलब एन बराबर थ्री में। तो अब मुझे बताओ किस में ट्रांजिशन होना है एन बराबर थ्री में, कहाँ से होना है, किसी हायर एनर्जी लेवल से, फोर फाइव सिक्स सेवन एंड सो ऑन, इस तरीके से होना है।
तो क्या करोगे बताओ, यहाँ पे बाकी सब तो वही है, जान ही रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे 3² कर देंगे और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ये अब आपका काम है। समझ में आ गया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब निकलेगा बताइए, जब किसमें से किसमें हो, 4 से 3 में ट्रांजिशन हो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे 4। अब आप बाकी आपने से कैलकुलेट कर लेना इसको, ठीक है। इसी तरीके शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इन कहाँ पे आना चाहिए, 3rd में आना चाहिए इन्फिनिटी से, बाकी सब आपने से आप लिख सकते हो उसी तरीके से, ठीक है। अब जरा सोचिए ये किसमें जो कि लाई करेंगे, इसमें आप निकाल के चेक कर सकते हो, बार बार सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी किसमें, ये किसमें लाई करेगा, ये आपका इंफ्रारेड रीजन में करता है, किसमें, इंफ्रारेड रीजन, ठीक है ना, इंफ्रारेड रीजन जो अवरक्त प्रकाश क्षेत्र है उसमें इस सीरीज की लाइंस लाई करती है। तो लाइमन बामर पाशन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो चौथा है, ठीक है, वो कौन सा है, ब्रैकेट से, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, तेज़ी से इसको आगे बढ़ना है करके, ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज में क्या होगा बताइए, किस में होगा, n बराबर 4 में होगा, ठीक है, बोलिए कहाँ से, किसी हायर एनर्जी लेवल में, ठीक है। फोर्थ एनर्जी स्टेट, ठीक। तो बाकी सब ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 4, बाकी सब ऐसे ही सब कुछ रहेगा। ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट के लिए, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ पे शॉर्टेस्ट के लिए 4, यहाँ इन्फिनिटी। ये भी किस में लाइक करता है, ये भी इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड में और दूर, जैसे इंफ्रारेड मान लो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से 10 तक है, तो 0 से 3 तक, ठीक है, मान लो कौन सा लाई किया, ये आपका ब्रैकेट, तो 3 के आगे और आगे कौन लाई करेगा, ये आपका ब्रैकेट लाई कर देगा, या जैसे पाशन था तो ब्रैकेट लाई कर देगा, मतलब और आगे इंफ्रारेड रीजन में ही और आगे, तो इसको हम लोग कहते हैं फार इंफ्रारेड रीजन या सिंपली इंफ्रारेड रीजन, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे इंफ्रारेड रीजन बोलो चाहे फार इंफ्रारेड रीजन बोलो, जिसको हम लोग कहते हैं सुदूर अवरक्त क्षेत्र हम लोग कहते हैं। इसी तरीके से लास्ट क्या है बताइए, फुंड सीरीज। तो फुंड सीरीज में क्या होगा, पांचवा जो है ना, ये टाइम पास सब है, इसमें कुछ खास नहीं है, तो किस में होगा, 5th एनर्जी स्टेट में, यहाँ पे हो जाएगा 5, कहाँ से आएगा ये बताइए, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, इस तरीके से आएगा। तो वो फुंड सीरीज मैंने बना रखा है, बाकी सब वही सब चीज़ें हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 5, इस तरीके से होगा। ये भी किस में आता है, फार इंफ्रारेड रीजन में ही आता है। देखो एकदम सिंपल तरीके से याद रखना है, लाइमन किस में, अल्ट्रावायलेट में, बामर विजिबल रीजन में, और बाकी सब के सब किस में, इंफ्रारेड रीजन में लाई करेंगे। सबसे पहले कौन निकाला, कौन पाया गया था, सबसे पहले जिसकी खोज हुई थी वो ये था, इसका अपना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्या, बामर सीरीज, विजिबल रीजन वाला सबसे पहले फाइंड आउट किया गया था, बामर सीरीज, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो बहुत छोटी सी बात है, आप सभी लोग इसको बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए एक दो सवाल इस पर कर लेते हैं बस, उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। छोटे छोटे सवाल बनते हैं इस पे बस। देखिए क्वेश्चन क्या है, सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज हैज, ठीक है, ग्रीन कलर, ठीक। जो सेकेंड लाइन है बामर सीरीज की वो कौन सी है, हरे रंग की, मतलब उसकी जो वेवलेंथ है मान लीजिए, ठीक है, हरे रंग से मिलती जुलती है, ठीक। अब आपको बताना है कि जो वायलेट रे, ठीक है, वायलेट कलर में कॉरेस्पॉन्ड्स टू व्हाट, ऑप्शंस में लिख रहा हूँ, ठीक है, 3 to 2, बी है 4 to 2, सी है 5 to 2, ओके, और डी है
3 to 1, ठीक है, 3 to 2, 4 to 2, ओके, 5 to 2 और 4 to 2, इस तरीके से है। तो ज़रा सोचो आप क्या होगा। जो सेकेंड लाइन है बामर सीरीज की वो किस रंग की है, हरे रंग की, ठीक है ना, तो आपको याद तो होगा ना ये विबग्योर, ये याद होगा सबको, विजिबल रीजन का जो स्पेक्ट्रम है। ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, वेवलेंथ घटता है, ठीक है ना, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, वायलेट का सबसे कम, फ्रिक्वेंसी बढ़ती है और एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती है, रेड की एनर्जी सबसे कम, वायलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा, ये सबको पता ही होगा। अब ये देखो ये ग्रीन वाला जो है, ये ग्रीन वाला किस में हुआ है बताओ। अच्छा बामर सीरीज़ है तो इसका मतलब सब में ट्रांजिशन एन बराबर 2 में ही होना चाहिए, तो जो 1 वाला है ये तो ऐसे ही गलत हो गया। 1 जो में अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो लाइव तो बामर सीरीज़ का हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। सेकेंड लाइन का क्या मतलब हुआ, सेकेंड लाइन का मतलब ज़रा सोचो, एक बार बना लेते हैं, ये n बराबर 2 यही तो बनाते ना, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, चलो यही बनाते हैं ना। तो सेकेंड लाइन का देखो, फर्स्ट लाइन ये होगा, ये सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, तो ये हमारा फर्स्ट लाइन, ये वाला सेकेंड लाइन, फिर थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन। तो सेकेंड लाइन में जो ट्रांजिशन हुआ 4 से 2 में हुआ है, इसका मतलब ये n बराबर 4 से n बराबर 2 में, तो इसका मतलब ये तो सेकेंड लाइन ऑलरेडी है, तो ये भी गलत हो गया। अब या तो 3 से 2 में होगा या तो 5 से 2 में। अगर 3 से 2 में होता है, समझिएगा ध्यान से, अगर 3 से 2 में होता है इसमें से, इसमें मतलब ये वाला अगर होता है तो मुझे पता इसकी एनर्जी तो इससे कम होगी ना। अगर 3 से 2 में हुआ तो इसकी एनर्जी इससे कम होगी, मतलब एनर्जी ग्रीन से कम होनी चाहिए, तो इसका मतलब वो क्या हो सकता है, येलो ऑरेंज और रेड हो सकता है, क्योंकि ग्रीन से कम जो एनर्जी वाले हैं येलो ऑरेंज और रेड है। एकदम छोटी सी बात है भाई, अगर ये वाला होता है ट्रांजिशन, मतलब कौन सा, 3 से 2 में, तो क्या होगा, जो एनर्जी निकलेगी वो ग्रीन से तो कम हो जाएगी ना, येलो ऑरेंज या रेड हो सकती है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, वायलेट, इसका मतलब ये वाला भी क्या हो गया, कौन सा, ये भी गलत। अच्छा और क्या बचा, ये आपका n बराबर 5 से 2, ठीक है, n बराबर 5 से 2, ओके, तो अगर n बराबर 5 से 2 की बात करें हम लोग, ये 2 हो गया, ये अच्छा ये वाला हो गया ना 4 से 2, अब अगर 5 से 2 की बात करें हम लोग, तो 5 से 2 में मुझे एनर्जी निकलेगी वो रेड, सॉरी इस ग्रीन कलर से ज़्यादा होगी, तो ग्रीन कलर से ज़्यादा मतलब ब्लू इंडिगो और वायलेट, मतलब वायलेट हो सकता है कि नहीं, तो कौन सा सही होगा बताइए, ये सी ऑप्शन हमारा जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ हीलियम प्लस इन लाइमन सीरीज टू सेकेंड लाइन, या इसको सेकेंड लाइन कहते थे ना, टू फर्स्ट लाइन ऑफ पामर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम, ठीक, सिंपल क्वेश्चन, क्या लिखा है पढ़िए, क्या पूछा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ हीलियम प्लस इन लाइमन सीरीज, ठीक है, तो लाइमन सीरीज में बताइए ट्रांजिशन किस में होता है, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से n बराबर 1 में, तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होगा, बोलिए, फर्स्ट लाइन का मतलब n बराबर 2 से n बराबर 1, सेकेंड लाइन का मतलब इन लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज में सेकेंड लाइन, बताइए n1 बराबर 1 में कहाँ से, n2 बराबर 2 से 1 में होगा तो फर्स्ट लाइन, n2 बराबर 3 से होना चाहिए, है कि नहीं, तो मुझे बताओ जो लैम्डा होगा इसका, मैं लैम्डा 1 कह देता हूँ मान लो, ठीक है, कितना होगा, आर जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर मतलब लिथियम का कितना हो जाएगा, हीलियम का कितना हो जाएगा बताइए, 2 का स्क्वायर 1 बाई व्हाट, 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर,
मतलब 4R इंटू 1 माइनस 1 बाई 9, 8 बाई 9 ऐसा कुछ हो जाएगा, यानी 32 R अपॉन 9। ये हमारा लैम्डा 1 की वैल्यू हो गई, 1 बाई लैम्डा 1 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से बताइए लैम्डा 1 कितना हो जाएगा, 9 अपॉन कितना, ये कितना ले दिया मैंने, सॉरी 9, ये 32 होगा ना, 32 आर अपॉन 9, तो 9 अपॉन 32 आर हो गया। अच्छा, फर्स्ट लाइन इन व्हाट, बामर सीरीज, बामर सीरीज की जो फर्स्ट लाइन होगी देखिए क्या होगी, बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन, ठीक, एन टू इज इक्वल टू 2 से एन वन इज इक्वल टू, सॉरी एन टू इज इक्वल टू 3 से एन वन इज इक्वल टू 2। बामर सीरीज में आप मुझे बताओ ट्रांजिशन किस में होता है, सेकेंड एनर्जी स्टेट में, कहाँ से, कोई भी हायर, तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होगा, थर्ड से, तो 3 से 2, तो मुझे बताओ 1 बाई लैम्डा 2 जो हो जाएगा R, ठीक है, और z स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है वो हीलियम था, ठीक है, 1 बाई ठीक 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर, तो हो जाएगा R 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9 है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा बताइए, 9 माइनस 4 5 R बाई 36, तो लैम्डा 2 जो हो जाएगा 36 अपॉन, एक बार प्लीज़ कैलकुलेशन देख लीजिएगा कैसे हो रहा, हो सकता है मिस्टेक कहीं हो जाए, तो आप कैलकुलेशन चेक कर लेना अपने से, ठीक है, प्रोसेस में बता दे रहा हूँ। तो मुझे बताओ आपको लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 ही तो निकालना है, कितना हो जाएगा बताइए, 32 अपॉन 9 इंटू व्हाट, 5 बाई 36 आर आर कट जाएगा, ये आप आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो मेरे भाई ये हमारा एटॉमिक मॉडल्स यहाँ पे ख़त्म होता है, बहुत डिटेल में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, अब आपका काम है ठीक से पढ़ना और जो भी आपको असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, उसको सॉल्व करना, ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो जो आपके पास माध्यम है उससे आप पूछ सकते हैं मेरे से, या जो भी करस्पॉन्डिंग टीचर्स हैं उससे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेडियो एक्टिविटी के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।